खबर जो मुद्दा बने, खबर जो मुद्दा बने में बात करेंगे बांग्लादेश की। हम आपको ये बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हुए खून खराबे और तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी दरअसल, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार अमेरिका को बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स द्वीप देने के लिए तैयार हो जाती है तो बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। असल में ये शेख हसीना का वही भाषण है, यही बात है शेख हसीना सत्ता छोड़ने से पहले लोगों को बताना चाहती थी और यही भाषण वो वहाँ टीवी पर देना चाहती थी, यही भाषण वो लोगों को संबोधित करते हुए देना चाहती थी और लोगों को बताना चाहती थी कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि यही वो भाषण है। अब ये जो द्वीप है इसके बारे में शेख हसीना ने ये मुद्दा उठाया है। ये वही द्वीप है जिसे बांग्लादेश में कोकोनट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसे कोकोनट आइलैंड कहते हैं, जिसका बांग्ला भाषा में अर्थ होता है नारिकेल झांझरा। और ये सिर्फ 7,000 लोगों की आबादी है इसमें, इस छोटे से द्वीप में। क्षेत्रफल के मामले में ये द्वीप इतना छोटा है कि दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे के कुल क्षेत्रफल में ऐसे 7 द्वीप बन सकते हैं और हमारे दिल्ली के हवाई अड्डे में ऐसे 7 द्वीप बन जाएंगे। विभाजन से पहले ये द्वीप भारत के पास था, लेकिन बंटवारे के बाद भारत ने ये आइलैंड पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया था। तभी से ही अमेरिका इस आइलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अमेरिका की नज़र इस आइलैंड पर थी। वर्ष 1975 से 2024 के बीच अमेरिका ने इस आइलैंड को लीज पर लेने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कहा ये आइलैंड हमें लीज पर दे दीजिए। अब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका असली कारण इसी आइलैंड को माना जा रहा है। और इस आइलैंड में खास क्या है आपको ये भी बताते हैं। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जहाँ से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, म्यांमार और चीन की निगरानी बहुत आसानी से की जा सकती है। यानी जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बड़े मौके की लोकेशन है। और इसीलिए ये द्वीप जिसके पास होगा वो इन सारे देशों पर नज़र बहुत आसानी से बना सकता है। और यही कारण है अमेरिका अपनी जो नौसेना के लिए अपना एक लेवल बेस जो है वो बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। पहले साल, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2023 में शेख हसीना ने अपने एक भाषण में कहा था, जब तक बांग्लादेश में उनकी सरकार है तब तक सेंट मार्टिन्स आइलैंड अमेरिका को कभी नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश में खालिया जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का शासन आ गया तो इस द्वीप को पार्टी अमेरिका को बेच देगी। उस समय अमेरिका ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि बांग्लादेश की संप्रभुता का वह सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनसे यही लगता है कि शेख हसीना की सरकार को घिराने के पीछे अमेरिका का स्वार्थ छिपा हो सकता है। आप भी हमें खबर मुद्दा है में आप ये बताएं कि क्या शेख हसीना का जो सरकार का तख्ता पलट हुआ उसमें क्या वाकई में अमेरिका का हाथ है।